हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएँ आप किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 5 के क में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इस तरीके से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न लिखा हुआ आएगा। और दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे? 3 लेखकों के नाम। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा ना, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की रचना, टोटल 3 नंबर का होगा। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 10th NCERT के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और रचनाएं किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद दोस्तों आपको एक और हेडिंग डालनी है, जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। तो दोस्तों, पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों आप जीवन परिचय हेडिंग डाल लें, आपको इस हेडिंग में लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा थोड़े समय बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक का कार्य किया। सन 1908 ईस्वी में ये नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में बुलाए गए। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए और बापू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से दोस्तों मैंने यह जीवन परिचय आपको यहाँ लिखवाया ना, सेम इसी तरीके से आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों आप जीवन परिचय लिख दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना का नाम लिखना है। कितनी रचना का नाम लिखना है? एक रचना का। तो दोस्तों मैंने यहाँ हेडिंग डाल लिया रचनाएं। दोस्तों यहाँ मैंने कई सारी रचनाएं लिखी हुई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आपको केवल एक ही रचना का नाम लिखना है आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में, केवल एक ही रचना का। यहाँ मैंने 3-4 रचनाओं के नाम इसलिए लिखे हैं ताकि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के नाम याद हो सके। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएँ कौन कौन सी थी? मित्रता, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि। तो दोस्तों इसके सिवा भी और भी रचनाएँ थी, परंतु दोस्तों मैंने इम्पोर्टेंट रचनाएँ यहाँ लिखी हैं और हल्की रचनाएं लिखी हैं जिससे आपको जल्दी से याद हो सके।
और दोस्तों आपको हिंदी के बोर्ड एग्जाम में कितने रचना का नाम लिखने हैं, एक रचना का केवल। ठीक है दोस्तों, मित्रता, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। इनमें से आपको एक रचना का नाम लिखना अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम में। और दोस्तों जब भी आप हिंदी के बोर्ड एग्जाम में लेखक का जीवन परिचय लिखें या कवि का जीवन परिचय लिखें, तो दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे तो जीवन परिचय में जो इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण जो बात है, उन्हें आपको काले पेन से लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में, तो मैंने सन 1884 ईस्वी काले पेन से लिखा है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। कौन से जिले में हुआ था, बस्ती जिले में, तो मैंने बस्ती जिला जो है दोस्तों काले पेन से लिखा। कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था, वो दोस्तों मैंने काले पेन से लिखा। इनके पिता का नाम मैंने दोस्तों काले पेन से लिखा है। ठीक है, इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम मैंने काले पेन से लिखा है। ठीक है, इनकी मृत्यु की तिथि दोस्तों मैंने काले पेन से लिखी है। ये हिंदी विभाग के अध्यापक चुने गए थे, तब कहाँ कौन से विश्वविद्यालय के चुने गए थे, ये भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखा। इनकी मृत्यु की तिथि भी दोस्तों मैंने काले पेन से लिखी है। ठीक है, तो दोस्तों इससे होगा क्या कि जो एग्जामिनर है, जब वो आपकी काफ़ी चेक करेगा, तो उस एग्जामिनर को जो महत्वपूर्ण बात है लेखक की, वो आपके काले पेन से लिखी हुई से दिख जाएंगे, और आपका जो जीवन परिचय है वो अच्छा लिखा जाएगा, तो हो सकता है वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दे दे, 3 में से 3 नंबर दे दे। इसलिए दोस्तों आप इस तरीके से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लेखक का जीवन परिचय और रचनाएँ लिखनी है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।